रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन के हथियार लगभग खत्म हो गए हैं। सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि अगले 15 दिन में यूक्रेन के पास लड़ने के लिए भी हथियार नहीं बचेंगे। रूस का साफ कहना है कि यूक्रेन आज इसलिए तबाह हो रहा है क्योंकि अमेरिका के इशारे पर ज़ेलेंस्की रूस से जंग करने पर आमादा है, लेकिन यूक्रेन ये भूल गया है कि रूस के सामने यूक्रेन ज्यादा दिन और टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसके हथियार खत्म हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के गद्दारों ने बेचे मिसाइल टैंक 2। क्या ज़ेलेंस्की के गद्दार पिछले 17 महीनों से यूक्रेन के साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की के घूसखोर जनरलों की वजह से ही यूक्रेन रूस से जंग नहीं जीत पा रहा है? क्या वाकई में यूक्रेनी सेना के कमांडर और जनरलों ने यूक्रेन के 2 टैंक और मिसाइलों को औने पौने दामों में बेच दिया है? दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स यूक्रेनी सेना के करतूतों को लेकर हैरान हैं कि आखिर यूक्रेन को नाटो से मिले 20 लाख करोड़ के हथियारों का घोटाला यूक्रेनी सेना के रिश्वतखोरों ने कैसे कर डाला? हम आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां ज़ेलेंस्की ने सेना में शामिल सभी घूसखोर कमांडर और जनरलों को फौज से निकालकर बाहर फेंक दिया है। जरा ज़ेलेंस्की का गुस्से से थमथमाता ये चेहरा देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई बेहद हाई प्रोफाइल मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने चुन चुन कर यूक्रेन के हथियारों का सौदा और घोटाला करने वाले अफसरों को ठिकाने लगा दिया है। हम आपको ज़ेलेंस्की के एक्शन से जुड़ी पूरी रिपोर्ट आगे दिखाने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पकड़ा यूक्रेन की हार का घोटाला। इधर बाइडन चीख रहे हैं, नाटो के 31 देश खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जंग के मैदान में पुतिन के खूंखार सैनिक एक एक करके यूक्रेन के इलाकों को जीतते जा रहे हैं। 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने नाटो के लेपर्ड टैंक चैलेंजर टैंक को जानबूझकर खराब कर दिया है ताकि दुनिया भर में नाटो के हथियारों की धाक खत्म हो जाए। यूक्रेन के कमांडर इतने बड़े रिश्वतखोर और घूसखोर निकले कि उन्होंने रूस के एजेंटों से पैसा लेकर अपने देश को हराने का ठेका तक ले लिया। रूस के रक्षा मंत्री से लेकर जनरल और कमांडर तक नाटो के हथियारों को खा गए। यूक्रेनी जनरल खा गए नाटो के हथियार। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के खुफिया एजेंटों ने यूक्रेन के टॉप जनरल से लेकर कमांडरों तक को करोड़ों डॉलर देकर खरीद लिया है, जिसकी वजह से नाटो के हथियार जैसे ही यूक्रेन पहुंच रहे हैं यूक्रेनी अफसर उन्हें रूसी सेना के हाथों तबाह करवा रहे हैं। कुछ कमांडर के बारे में जर्मनी की एक मैगजीन ने तो यहां तक दावा किया है कि वो नाटो के लेपर्ड 2 टैंक को जानबूझकर खराब कर रहे हैं ताकि उन्हें रूसी सेना से युद्ध न करना पड़े। इधर पुतिन की सेना चुन चुन कर नाटो के टैंक तोप और रॉकेट सिस्टम पर भयानक हमला करके उन्हें जला रही है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि जिस तरह से रूसी सेना ने नाटो के टैंकों को जलाया है ठीक उसी तरह से रूस यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले F-16 फाइटर जेट को भी जलाकर राख कर देगा। अब आप ये जान लीजिए कि भयानक युद्ध के बीच यूक्रेन का युद्ध घोटाला पकड़ने के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या बड़ा एक्शन लिया है। डकार गए 20 लाख करोड़, हार गया यूक्रेन।
युद्ध के बीच में जेलेंस्की ने बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल घोटाले को पकड़ा है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि सेना से जुड़े सभी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल सभी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की ने यूक्रेनी सेना में भर्ती के लिए जिम्मेदार सैन्य भर्ती अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। दावा किया गया है कि अब तक देश और यूक्रेनी सेना के साथ गद्दारी करने वाले 112 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के तहत कार्रवाई की गई है। जेलेंस्की ने मीडिया को बताया कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी जालुजनी को भ्रष्ट यूक्रेनी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अभी यूक्रेन के 33 अफसर ऐसे हैं जिन पर रिश्वतखोरी, हथियार घोटाले के आरोप लगे हैं। उन्हें भी सेना से बाहर निकालने की जोरदार तैयारी चल रही है। जेलेंस्की के गद्दारों ने भेजे मिसाइल, टैंक और तोप। Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму, їм можна довірити цю систему комплектування. अब आप ये भी जान लीजिए कि भयंकर युद्ध के बीच में रिश्वतखोर और घोटालेबाज यूक्रेनी सैन्य अफसरों की वजह से यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पास मौजूद नाटो के 30% हथियारों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। यूक्रेनी सेना भी मानने को मजबूर हुई है कि यूक्रेन के पास मौजूद नाटो के 30-31% हथियार मरम्मत के लिए कारखाने भेज दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर 60-61% नेटो के हथियार यूक्रेन युद्ध में नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है तो फिर बचे हुए 40% नेटो के हथियारों से यूक्रेनी सेना जंग कैसे जीतेगी। शायद यही वजह है कि यूक्रेन अभी तक बखमूत पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाया है। शायद यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में 35% इलाके पर कब्जा कर लिया है। शायद यही वजह है कि रूस ने दक्षिणी यूक्रेन और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के 20% इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे नेटो देशों का भरोसा यूक्रेनी सेना और जेलेंस्की से पूरी तरह से उठ चुका है। इसीलिए इन नेटो देशों ने भारी हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचाई हैं। जानकारों के मुताबिक इसीलिए जेलेंस्की ने कैमरे के सामने अपने देश के भ्रष्ट सैन्य अफसरों को बर्खास्त किया है ताकि नाटो का भरोसा यूक्रेनी सेना और यूक्रेन पर बना रहे। यूक्रेनी जनरल खा गए नाटो के हथियार। Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба що в цьому різниця? Цинізм всюди однаковий. Незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Рашопати Зеленський भले ही अपने सैन्य अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने का दावा कर ले कि वो यूक्रेनी सेना में किसी भी घुसखोर और भ्रष्ट अफसरों को टिकने नहीं देंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दुनिया भर में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स तक कहने लगे हैं कि यूक्रेन को रूस ने नहीं हराया है, यूक्रेन को यूक्रेनी सेना हरा रही है। डॉलर का लालच, रूबल का चस्का यूक्रेनी अफसरों को अंधा बना चुकी है। उन्होंने यूक्रेन की मौत का सौदा कर लिया है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ रूस चुन चुन कर नाटो के हथियारों को तबाह कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 4 जून के बाद से सिर्फ 60 दिन के अंदर 43,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना पर हमला करते वक्त मारे गए हैं। रूसी सेना के पास यूक्रेनी सेना के एक एक हथियारों और उनकी लोकेशन की इतनी सटीक जानकारी पहुंच रही है जिसकी वजह से रूस पॉइंट ब्लैंक रेंज से यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां यूक्रेन पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता रहा है कि उसने रूस के 2,54,000 के करीब सैनिकों को 17 महीने से ज्यादा की जंग में मार डाला है और रूस हार रहा है, वहीं हकीकत में यूक्रेन जंग हार रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन की जीत का दावा करने वाले अमेरिका के टॉप नेताओं को क्यों कहना पड़ रहा है कि यूक्रेन रूस से जंग हार रहा है और यूक्रेन को अब सरेंडर की तैयारी करनी पड़ेगी। हम आपको अमेरिका के कांग्रेसमैन माइक क्विगली का बयान दिखाते हैं जो उन्होंने अमेरिका के CNN चैनल पर दिया है। जरा देखिए अमेरिका के कांग्रेसमैन माइक क्विगली ने यूक्रेन जंग पर क्या खुलासा किया है।
रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी डेमोक्रेट माइक क्विगली ने यूरोप में अमेरिकी कमांडरों से मुलाकात की। अमेरिकी कमांडरों को खुफिया रिपोर्ट के आधार पर क्विगली ने बताया, यूक्रेन के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। यूक्रेन की क्षमता पर अमेरिका विश्वास खो रहा है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के सफल होने की संभावना नहीं है। यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक रूस की पहली रक्षा पंक्ति को भी तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है। अब हालात बेहद गंभीर हैं। कीव को मॉस्को से बातचीत करनी पड़ेगी। माइक क्विगली ने अपने दावों में यहां तक इशारा कर दिया है कि यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है। फरवरी 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन के 4,900 भारी हथियार रूस ने तबाह कर डाले हैं, जिसमें नाटो के टैंक, रॉकेट, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। इधर अमेरिका के टॉप कमांडर्स ने भी माना है कि यूक्रेनी सेना के पास वो क्षमता और हिम्मत नहीं बची है कि वो रूस का मुकाबला अब और कर पाए। यूक्रेन के जनरलों के दावों पर अमेरिका को जरा भी विश्वास नहीं रह गया है। इसीलिए नेटो से जुड़े देशों ने यूक्रेन को ज्यादा घातक और भारी हथियार देने से मना कर दिया है, या फिर हथियार देने में देरी कर रहे हैं। यानी जून से शुरू हुआ यूक्रेन की हार का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब अमेरिकी जनरलों को ज़ेलेंस्की का सरेंडर करवाना पड़ेगा। रूस डंके की चोट पर कह रहा है कि यूक्रेन के सभी काउंटर अटैक फेल हो चुके हैं। гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы кинжал вертолеты К-52, Ми-28, Су-57, Су-35. Вся эта техника себя великолепно зарекомендовала на сегодняшних вот боевых действиях. И мы все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью закрываем. 17 महीने की जंग के बाद यूक्रेन के ये हालात साफ साबित करते हैं कि यूक्रेन की बर्बादी के लिए ना तो नेटो जिम्मेदार है और ना ही रूस का सुरवार है। लालची और भ्रष्ट अफसर और नेताओं से भरा यूक्रेन पहले रूस से बदला लेने के लिए नेटो के लालच में फंसता है, और फिर यूक्रेन के टॉप अफसर करोड़ों डॉलर के लालच में यूक्रेन की मौत का सौदा कर रहे हैं। अब देखना होगा हारते हांफते यूक्रेन को रूस से कौन बचाता है और कैसे बचाता है।